की इस अनोखी पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। आज हम सीखेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन में आने वाले घनाभ से कुछ क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर, सीखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है घनाभ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना। तो अब जो हमारा पहला ही जो प्रश्न दे रखा है उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसको अच्छी तरीके से हो सके तो उसको हल करते हैं। अब पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो देख लेते हैं। एक डिब्बे की माप 10 × 8 × 6 मीटर दी हुई, ठीक है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरीके से समझना है कि एक डिब्बे की माप हमें दे रखी है 10 × 8 × 6 मीटर, यानी कि एक डिब्बा आपका इस समान है और उसकी माप दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है आपको 10 मीटर। ये होती है चौड़ाई, चौड़ाई आपको इसमें दे रखी है 8 मीटर और ये होती है दोस्तों ऊंचाई, ये दे रखी है आपको 6 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। अब जो घन का डायग्राम है वो इस प्रकार बनेगा। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि इसकी लंबाई कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर, उसके बाद आपको चौड़ाई 8 मीटर दे रखी है और उसके बाद आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 मीटर और इसमें पूछा है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 2 रुपये प्रति, यानी कि इस डिब्बे के हर एक मीटर में खर्च दे रखा है आपका 2 रुपये। तो इस पूरे डिब्बे का हमने संपूर्ण पृष्ठ निकालना है और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई × चौड़ाई + ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। तो सबसे पहले हमें जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेते हैं। लंबाई आपको दी हुई है 10 मीटर, जो जो दे रखा है वो लिख दो। ठीक है, अब पूछा है इसमें, अब क्या पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ यानी कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो मैंने पहले दूसरे वीडियो में आपको घनाभ के सूत्र बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है वो यहां पर हमें लिख देते हैं। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × लंबाई × चौड़ाई + चौड़ाई × ऊंचाई + ऊंचाई × लंबाई। अब जो ये सूत्र है इसमें जो ये मान दे रखे हैं आपको ये रख देना है। लंबाई कितनी दे रखी है 10 × चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 + चौड़ाई 8 × ऊंचाई 6 + ऊंचाई 6 × लंबाई 10। गुणा कर देना है, 10 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 80 + 8 को 6 से करेंगे तो 48, 6 को 10 से करेंगे तो कितने आएंगे 60। तो इन सब को जोड़ेंगे तो क्या आएंगे 2 × 188 और 188 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8 × 16 = 6 × 1 8 × 16 = 6 × 1 = 7 × 1 2 × 2 = 2 × 376 वर्ग मीटर, यानी कि वर्ग मीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आएगा। लेकिन प्रश्न में आपको कहा गया है कि 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एक वर्ग मीटर में खर्च कितना दे रखा है, एक वर्ग मीटर में खर्च कितना दे रखा है आपको 2 रुपये। तो 376 वर्ग मीटर में क्या होगा, 376 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 × 12 = 1 7 × 14 = 14 × 15 = 1 3 × 6 = 752 रुपये। यानी कि जो इस पूरे डिब्बा है, जो आपका ये घन के समान जो घनाभ के समान जो सॉरी घनाभ के समान जो ये डिब्बा है इसके हमें
रंग करना यानी इसके पूरे पृष्ठ पर रंग करने का खर्च क्या आएगा आपका, 752 रुपये आएगा। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था। तो शुरू करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों कर लेते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और पढ़ना है। तो देख लेते हैं। 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप जो घनाभ का जो डायग्राम है वो बना लें। तो घनाभ की विमाएँ दे रखी है आपको, तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। अब जो विमाएँ आपको दे रखी है बस वो रख दो। ये विमा दे रखी है आपको 10 मीटर चौड़ाई आपको दे रखी है 10 मीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 5 मीटर। ठीक है, ये आपके जो प्रश्न में दे रखा है अब तक हमने उसके अनुसार ये डायग्राम बनाया है। अब इसमें पूछा है कि इस विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, यानी कि इस कमरा है जो दे रखा है इसमें सबसे लंबी छड़ हम कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, यानी इस समान तिरछा इसमें हमें रख सकते हैं विकर्ण के समान। ठीक है, इस प्रकार कोई आप इसमें छड़ रख सकते हैं। ये आपका कमरा है तो आप कोई छड़ इस प्रकार ही तो रख सकते हैं इस कमरे में। ठीक है, यानी कि तिरछा विकर्ण के समान। तो अब आपके जो ये घनाभ है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है वो रख के हमें इसमें ये जो मान दे रखे हैं वो रखने हैं। लेकिन जो प्रश्न में सबसे पहले हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है हमें इसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ यानी घनाभ का विकर्ण, और घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है वो होता है √L² + B² + H². अब जो ये आपके सामने सूत्र निकल के आया है बस इस सूत्र में जो ये मान दे रखे हैं वो रखते ही आपका जो विकर्ण की लंबाई है वो आपको पता चल जाएगी। तो इसमें रखते हैं हम L का मान कितना दे रखा है 10, तो सुकायर प्लस B का मान कितना दे रखा है आपको 10 सुकायर प्लस H का मान कितना दे रखा है 5 सुकायर। अब आपको इसको बस इनके सुकायर खोल देने हैं और उनको जोड़ के आपका जो अंडरूड है वो निकाल देंगे। तो अंडरूड निकालते हैं आपके सामने जो इसकी छड़ की लंबाई है वो निकल के आ जाएगी 100 + 100 = 25। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 225। और 225 का अंडरूड क्या होता है तो वो निकाल लेते हैं 225 का अंडरूड। तो किसका भाग जा रहा है इसमें 5 का, 5 का 20 बचे 2 2 5 25 5 25। 2 का भाग जा रहा, 5 का भाग जा रहा है फिर से 9 5 45। अब की बार किसका जा रहा है 3 का जा रहा है 3 3 9। तो इसमें जो आपके दो दो के जोड़े बनाने हैं आपको अंडरूड, ये जो अंडरूड है वो भाग वो आपको निकालना आता ही होगा। तो दो दो के जोड़े बनाएंगे तो क्या आएगा 5 × 3, तो क्या निकल के आता है 15 15। तो यहां पर हमें रखना है 15 मीटर। ठीक है, तो जो ये छड़ की लंबाई होगी वो होगी 15 मीटर। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन जो कि है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो में कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक घनाभ के आकार की ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन होगा। दोस्तों चित्र मैंने पहले ही बना लिया है आपका समय
खराब ना हो। तो इसमें क्या दिया गया, एक ईंट दी हुई है जिसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है, लंबाई आपको दी हुई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई दी हुई है आपको 15, ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, इसमें अब की बार पूछा है इसका आयतन, यानी कि ये कोई ईंट है, ठीक है, और इसका आयतन यानी कि इसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है आयतन उसी को कहते हैं, इसका आयतन पूछा है। और आयतन घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है वो आपको पता ही है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लेकिन इसमें सबसे पहले हम जो स्टेप बाय स्टेप जो दे रखा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है, अब की बार हमें इसका आयतन पूछा है, पूरी इंट का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है एल बी एच, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आयतन का, घनाभ का। अब जो जो मान इसमें दे रखे हैं वो इस सूत्र में रखना है, लंबाई कितनी दे रखी है आपको 25 इंटू, चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 15 इंटू, ऊंचाई कितनी दे रखी है 5, ठीक है। इसके बाद हमें इन सब के मल्टीप्लाई कर देने, जब आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो उत्तर होगा वो निकल के आएगा 1875 घन मीटर, यही इसका आयतन निकल के आया है। तो आज हमने घनाभ से रिलेटेड कुछ तीन क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा चैनल अनुभव आपको कंप्लीट मैथ्स कोर्स देने का प्रयास करेगा। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर करें।